हाँ जी, सो टाइप नंबर फाइव देखो। सो टाइप नंबर फाइव का नाम की है होमोजीनियस फंक्शन। सो होमोजीनियस फंक्शन होंगे की है, ये अपना इग्जैम्पल ना करते हैं। देखो ध्यान ना कि अपना फंक्शन एफ एक्स वाई का गिवन होगा, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है इस तरह। सो ध्यान, होमोजीनियस होंगे कड़ा है, होमोजीनियस वो होगा जो आप डायरेक्ट गल याद रखिए कि पावर ऑफ एवरी टर्म हैज सेम, कि हरेक टर्म की पावर की सेम होगी। हम देखो ध्यान ना, यदी पावर कितनी है, टू है, तो यदी पावर कितनी वन ही, यदी है वन ही, यदी टोटल कितनी टू होगी, यदी पावर कितनी टू है, ठीक है। सो ए की बन गया होमोजीनियस फंक्शन बन गया, ठीक है। सो जो भी होमोजीनियस फंक्शन बन जाए, ठीक है, तो इन चैक करना हो कि चैक करेंगे, ये भी देखो चैक आप चैक करने वाले, जो एक्स में चैक चेंज कर दो लैमडा एक्स, वाई में चेंज कर दो लैमडा वाई, ठीक है, जिते एक्स है उत्थे लैमडा एक्स पुट कर दो, ठीक है, जिसे वाई है उत्थे लैमडा वाई पुट कर दो। सो अपने को बचगा इसे लैमडा की पावर कोई भी बचता दी है, ठीक है, कोई लैमडा की पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, कोई एन की कोई भी पावर बच सकती है, ठीक है, लैमडा अपने की कॉन्सटेंट हुई, कोई भी कॉन्सटेंट हो लैमडा की पावर एन। ध्यान देखो, जो एफ लैमडा एक्स इंटू लैमडा वाई इज इक्वल लैमडा की पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये वाला मैथड है चेक करने का। सो इस एग्जाम्पल में देखो चेक करेंगे, ठीक है, चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं है, लैमडा एक्स इंटू लैमडा वाई, तो जितने एक्स तो लैमडा एक्सपोर्ट कर दो, लैमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इतने फाइव इंटू लैमडा एक्स इंटू लैमडा वाई हो जाएगा, प्लस सिक्स इंटू लैमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा। सो आ लैमडा स्क्वायर बन जाऊ मल्टीप्लाई हो गए दो, सो लैमडा स्क्वायर कॉमन ले लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर। सो देखो आप पूरी टर्म बन गए फंक्शन ऑफ एक्स वाई सेम, वही बन गई, तो हर एक वही सेम बने करूँगी, लैमडा स्क्वायर एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एफ ऑफ लैमडा एक्स इंटू लैमडा वाई इज इक्वल टू। सो देखो ध्यान ये वाला, ठीक है जी, सो ये होमोजीनियस है। सो जो चेक करना है फंक्शन विद मैथमेटिकल कंसैप्ट इस तरह चेक करेंगे, जे आप बिना चेक किए चेक करना हो बिना सॉल्व किए तो ध्यान देख लो जो पावर सेम हो, जो पावर सेम है तो फंक्शन की होमोजीनियस। ओके, सो इन सॉल्व क्यों करना है, सच गल हो टाइप इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, ये पेपर आने चांस 100% है, 4 marks। ओके, सो प्रोसैस की है सॉल्व करने का, सो जिथे वाई है उन्होंने पुट कर दो वी एक्स, पुट करना वाई नू वी एक्स, फिर करो डेरीवेटिव वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये प्रोडक्ट रूल वी इंटू एक्स का डेरीवेटिव प्लस एक्स इंटू वी का डेरीवेटिव, सो मीन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो फिर अपने कोई ना इतने फॉर्म गिवन होगी वो आप डेरीवेटिव वैल्यू पुट कर देनी है, सो जो अपना ओवरऑल फंक्शन बन जूगा डी वाई बाई डी एक्स का बन जूगा, ठीक है, सारा जी इक्वेशन की अपनी ये बन जाऊ डी वाई बाई डी एक्स, फिर वी के वेरीएबल सैपरेट करा, फिर एक्स के वेरीएबल सैपरेट करा, फिर वो इंटीग्रल करा, ठीक है, मीन अपना वाई कि चेंज हो गया वी चेंज हो गया, ठीक है। एक तो अपना जो पावर चेक करनी है, पावर चेक पावर के अकॉर्डिंग अपना की है जो फंक्शन होमोजीनियस होगा। एक होर चीज़ ध्यान रखनी, जो ट्रिग्नोमैट्री के अंदर जिम्मे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोई भी हो ट्रिग्नोमैट्री का, वो अंदर एंगल वाई बाय एक्स हो गया ना, एंगल की वाई बाय एक्स होया, वो भी अपना की है होमोजीनियस फंक्शन होगा, ठीक है। एक जी कोई भी एक्सपोनेंट की पावर ई एक्सपोनेंट की पावर वाई बाई एक्स होगी, वो भी अपना की होमोजीनियस होगा, ये दो गल्लां भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सो मेन तो आप स्टेप याद रखना है, वाई नूं पुट करना वी एक्स, फिर डेरीवेटिव, फिर डेरीवेटिव वैल्यू इक्वेशन विच पुट कर देनी है, जो इक्वेशन अपनी वी बाय ते एक्स विच चेंज हो जाऊ, ठीक है। सो हुण आपां इहदे नाल सॉल्व करते हैं, देखो हाँ जी टाइप नंबर फाइव है तो वैसे सम नंबर 19 है, बट इस टाइप का फस्ट सम देखो हुण सॉल्व करने पा इसनों, तो जो चैक पर चैक भी कर लेने कि फंक्शन पर होमोजीनियस है कि नहीं है। सो ध्यान देखो बिना सॉल्व की चैक कर सकते, वाई पर वन है इतने वन है इतने वन है इतने वन, पावर सेम है होमोजीनियस, बट फिर चेक करते हैं अपने फंक्शन ऑफ एक्स वाई कड़ा है, वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय वाई है, तो लैमडा एक्स इंटू लैमडा वाई हो गया, ठीक है जी।
सो लैमडा चो कॉमन ले लो, पूरे चो लैमडा कैंसिल हो गया, लैमडा कैंसिल हो गया, सो लैमडा की पावर जीरो होगी ना। तो देखो फंक्शन सेम वही बन गया ना बोला। सो इट मीन एफ लैमडा एक्स इंटू लैमडा वाई इज इक्वल टू लैमडा नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सो ये बन गया अपना होमोजीनियस, ठीक है जी। हूँ जी होमोजीनियस है, फिर वाई नू पुट करेंगे अपना, इतनी कर दें देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पुट कर दो y इज इक्वल टू वी ऑफ x, फिर करो डेरीवेटिव v प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो डेरीवेटिव की वैल्यू इतनी पुट कर दो फर्स्ट बिकम, ठीक है। सो v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू नहीं है वी एक्स बटा एक्स एक्स बाई वी एक्स, ठीक पुट करती। तो y की वैल्यू वी एक्स पुट करती, डेरीवेटिव ए वाली। सो इतने x हम x कैंसिल हो जूगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सो वी प्लस वन बाई वी। ओके आ वाला वी उधर ले जाओ, वी प्लस वन बाई वी माइनस वी, सो वी ना वी कैंसिल हो जूगा। सो देखो बचा गया एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई वी, ठीक है। हम देखो आ वेरीएबल वाई का, सॉरी वेरीएबल वी का, आ वेरीएबल एक्स का, तो डी वी ना वी ला देंगे, डी एक्स ना एक्स ला देंगे। सो की बनू वी इंटू डी वी, ठीक है, तो डी एक्स बाय एक्स दोनों पासे इंटैगरल। सो ये बन जू वी स्केयर बाय टू बन जूगा, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस सी हो जूगा। ओके जी, तो वी की वैल्यू देखो की अपना जो अपना वाई नू पुट किया वी एक्स, वी की वैल्यू की आजगी वाई बाय एक्स आई ना, पुट कर दो इतने कि वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर इंटू टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये अपना कि आंसर है। ओके सो इस तरह सामू सॉल्व करना होमोजीनियस फंक्शन वालों। सो सम लेंथी हो जाते बट ये सम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो नैक्सट सम देखो आप, हाँ जी नैक्सट सम देखो ये वाला। सो अपनी फंक्शन की होमोजीनियस है चेक किमें करा, ए पावर टू है, ए पावर टू है, ए पावर वन वन, टोटल नहीं टू होगी, पावर सेम होगी होमोजीनियस। सो डायरेक्ट आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो पहले डी वाई बाई डी एक्स की ग्रुपिंग कर लेनी है, इन इधर माइनस कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सो इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्केयर होना, वाई स्केयर इधर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई। ओके तो देखो ठीक है, जेकर आप डायरेक्ट वाई नू वी एक्स पुट करिए तो भी कोई चक्कर नहीं, बट जेकर आप ये मैथ्स वाला चक्कर खत्म करना हो, मैथ्स वाली प्रॉब्लम खत्म कर दिए, देखो वाई स्केयर एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर लिख सकते हैं, ये चो मैथ्स कॉमन लवेंगे ना एक, ये एक बार भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैथ्स तो खत्म की कैलकुलेशन ईजी हो जाए, उन कोई दिक्कत नहीं, डायरैक्ट इतने भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही पुट करना वाई नू वी एक्स, डेरीवेटिव कर दो, ठीक है, इतने पुट कर दो इक्वेशन ये। सो देखो वी प्लस एक्स डेरीवेटिव डेरीवेटिव वी विद रिस्पैक्ट एक्स इज इक्वल टू, इतने पुट करो वाई की वैल्यू वी स्केयर एक्स स्केयर हो जाऊ, नीचे एक्स इंटू वी एक्स हो जाऊ माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। उपरों इधरों देखो एक्स स्केयर कॉमन लेने हैं, वी स्केयर नीचों भी एक्स स्केयर कॉमन ले लो, सो वी माइनस वन हो जाऊ है ना, ये कैंसल हो जाऊ, तो वी इधर है माइनस हो जाऊ। वैसे हरेक सवाल ना इधरों अपनी जी राइट हैंड साइड है ये जो एक्स खत्म ही हो जाएगा हरेक सवाल मोस्टली, ठीक है। सो वी स्केयर अपॉन वी माइनस वन माइनस वी बाई वन, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स वी स्केयर माइनस वी स्केयर प्लस वी बाय वी माइनस वन हो जाऊ ना। ओके सो कैंसिल हो जाऊगा तो बचा गई, सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस वन। ओके सो ना पूरी टर्म वी वाली है, इन इधर ले आओ डी एक्स उधर ले जाओ, वी माइनस वन बाई वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटैगरल कर दो। देखो हूँ लीनियर बाय लीनियर है बट यू आप डिवाइड में लिख सकते हैं सैपरेट करके, वी बाय वी माइनस वन बाय वी, डी वी लाओ डी एक्स बाय एक्स,
फिर कट के वन हो जूगा, वन का इंटैगरल विद रिस्पेक्ट डी वी, वी हो जूगा माइनस लॉग ऑफ वी हो जूगा, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस सी हो जूगा। ठीक है, सो ये अपना इतना आंसर है। बट आप हम वी की वैल्यू देखो कि उतो वही स्टेप फिर वाई बाई एक्स आ जूगी, उसे पुट कर दो, वाई बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू इतने मॉड लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये अपना यदा आंसर है। ओके सो बिल्कुल बाकी समझ इसी नाल दे, सो नेक्स्ट समय खोर देखो इस नाल दा बिल्कुल। हाँ जी, सम नंबर 21 देखो बोला, सेम वही कहानी फिर च, फंक्शन होमोजीनियस ही है, पावर वन वन टू होगी, यदि पावर टू होगी, पावर टू होगी, पावर टू है होमोजीनियस। सो पहले आप जो डेरीवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डेरीवेटिव वैल्यू कि थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई। ओके सर, वाई पुट कर दो वी एक्स, फिर करो डेरीवेटिव का वी प्लस एक्स इंटू डेरीवेटिव, पुट करो इतने वी प्लस एक्स इंटू डेरीवेटिव इजिकल थ्री एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्केयर इंटू एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। ठीक है, सो फिर उपरों तो नीचों एक्स स्केयर कॉमन लो, नीचे एक्स स्केयर कॉमन लवेंगे की बचेगा थ्री वी प्लस वी स्केयर अपॉन एक्स स्केयर फिर कॉमन वन प्लस वी बचेगा। सो देखो फिर कैंसिल हो गया ना, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, फिर आप वी इधर प्लस हो रहा है, इधर के माइनस होगा, हर एक सवाल स्टेप सेम ही है, इधर एक्स खत्म होगा इधर वी इधर माइनस होगा, फिर इन एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, वन प्लस वी थ्री वी प्लस वी स्केयर इधर करो मल्टीप्लाई माइनस वी स्केयर। ठीक है, क्योंकि आज जो माइनस है ना, जो माइनस वी वन प्लस वी मल्टीप्लाई होगा तो साइन अंदर जाकर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हमारे साइन माइनस वी स्केयर होगा, ये कैंसिल हो जूगा। सो देखो अपने को बचेगा एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स बचूगा, टू वी बाय वन प्लस वी बचे। ओके सुनिए, पूरी टर्म इधर लो वी वाली एक्स उधर लो, वन प्लस वी बाय वी तेरा टू है, इन बार करता वन बाय टू करता डी वी डी एक्स बाय एक्स बचे, फिर इन्हें इंटैगरल सेम वही स्टेप फिर इन सेपरेट कर दो। ठीक है, वन बाय वी कर दो प्लस वी बाय वी कर दो इन, तो बार अपना वन बाय टू है। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स, तो वन बाय टू इन लॉग ऑफ वी ये कट गए, वन का इंटीग्रल वी बचूगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी हो जूगा। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी हो जूगा इस, फिर पुट कर दो वाई बाय एक्स, वन बाय टू लॉग ऑफ वाई बाय एक्स प्लस वन बाय टू इंटू वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ओके सो ये मैं आंसर है। ठीक है, ओके हम आप जो सैकेंड टाइप है अपना इंटर की टाइप ट्रिग्नोमैट्री में वाई बाय एक्स आई वो अपनी होमोजीनियस फंक्शन है, हम वो नाल सवाल सॉल्व करके देखो आप देखो ये वाला, सो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एन सी आर टी बुक में भी मैनशन किए हुए हैं। सो पहले आप डेरीवेटिव की वैल्यू फाइंड करा, तो वाई इंटू कॉस ऑफ वाई एक्स प्लस एक्स बाय एक्स इंटू वाई बाय एक्स। ठीक है, सो फंक्शन होमोजीनियस चेक करना, तो देखो किमें करना है, एफ ऑफ एक्स वाई अपन गिवन की है वाई इंटू कॉस ऑफ वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय कॉस ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, फिर फंक्शन चेक करो लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, लैम्डा वाई इंटू कॉस ऑफ लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा एक्स, सो लैम्डा एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स। ठीक है, सो ऊपर लैम्डा कॉमन लो, वाई इंटू कॉस ऑफ इतने लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, वाई बाय एक्स प्लस एक्स बचूगा नीचे लैम्डा ओमी एक्स इंटू कॉस इधर आ कैंसिल हो जाऊ वाई बाय एक्स। सो फंक्शन सेम वही बच गया फिर जो सीगा, नहीं तो लैम्डा पावर जीरो हो जाऊ ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इस तरह अपन चेक कर सकते हैं लैम्डा ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस। ठीक है जी, हम इन सॉल्व करते हैं, आह वाली इक्वेशन है वाई पुट कर दो वी एक्स, डेरीवेटिव कर दो
इतने पुट कर दो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स कॉस ऑफ वी एक्स बाई एक्स प्लस एक्स एक्स इंटू कॉस ऑफ वी ऑफ एक्स बाई एक्स। सो एक्स ना एक्स कैंसल होगी, सो आप किन्नी बार क्या एक्स नहीं तो कैंसल हो ही जाना इधरों। हम ऊपरों भी एक्स कॉमन ले लो, तो बचे वी इंटू कॉस वी प्लस वन बाय एक्स इंटू कॉस वी, एक्स ना एक्स कैंसल हो जाएगा। ठीक है, हूँ वी उधर माइनस कर दो, वी कॉस वी माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस करेंगे अपना एलसीएम लेके, नीचे कॉस वी आ जाएगा, जैसे वी कॉस वी प्लस वन माइनस वी कॉस वी आ कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स वन बाय कॉस वी हो जाएगा, है ना। फिर कर दो वी वाले एक पास कर लो, एक्स वाले एक पास कर लो, कॉस वी इंटू डी वी इजिकल डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रल कर लो, कॉस वी का इंटीग्रल साइन वी होंगे, ये लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी होगी, अपने वाई बाई एक्स आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये अपने आंसर है। ठीक है, सो सम जरूर लेंथी होती है बट कैलकुलेशन बहुत ईजी है ना समझ। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट भी है। सो इस लास्ट सम देखो मैं इस टॉपिक का, वो भी सेम वही है एक्सपोनेंट वाला। सो ये भी पहले अपना डेरीवेटिव की वैल्यू कटा अपना डी वाई बाय डी एक्स इधर आऊगा, इधर आऊगा डी वाई बाई डी एक्स अपना होगा, देखो कि वाई इंटू ई द पावर वाई बाई एक्स। ठीक है, वाई ई पावर एक्स बाय वाई अपॉन एक्स इंटू ई द पावर एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम थोड़ा ये सवाल डिफरेंट भी है क्योंकि देखो जो आप वाई नू वी एक्स पुट कर देंगे ना, वाई नू आप वी एक्स पुट कर देंगे तो इतने की बचू ई पावर वन बाय वी बचूगा, जो इंटैगरल पॉसिबल ही नहीं है कि आप ई की पावर कि वन बाय एक्स का इंटैगरल पढ़े नहीं है ना, कोई फॉर्मूला बारे नहीं पढ़िया। सो इट मीन हम इन थोड़ा आप चेंज कर देंगे, देखो कि हम किमें चेंज मतलब भी आप पढ़िया कि वाई नू वी एक्स पुट कर देने ना, हम आप एक्स नू वी वाई पुट करेंगे एक्स नू तो फिर बेनीफिट है, मीन सारी डिफरेंशियल इक्वेशन अपना डी एक्स ओवर डी वाई चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को पावर वन बाय ई की पावर वन बाय वाई का कोई फॉर्मूला है नहीं सोल्यूशन वास्ते, पॉसिबल फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, ठीक है, सो ध्यान देखो इस चीज़ में, डी एक्स बाय डी वाई कर दो, एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाय वाई प्लस वी स्क्वायर बाय वाई इंटू ई की पावर एक्स बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, हूँ है तो होमोजीनियस फंक्शन अपना, होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स फॉर्म कर लो, पुट करो इन्हों एक्स नू वी इंटू वाई, सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट अपना वाई करेंगे। ठीक है, सो इतने अपना डी एक्स ओवर डी वाई हो जाऊ अपना, तो वी प्लस वाई इंटू डी वी बाय डी वाई हो जाऊ, इतने पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इंटू ई दी पावर अपने को आऊगा वी वाई बटा वाई आ जाऊगा प्लस वाई स्केयर। ठीक है, तो इतने अपने एक्स की वैल्यू आनी सी वी वाई, ओके एक्स की वैल्यू आनी सी, ठीक एक्स की वैल्यू वी वाई अपॉन बाकी वाई ओवी ई दी पावर एक्स की वैल्यू वी वी वाई बटा वाई। ठीक है, सो वाई देना वाई कैंसल हो अपना वाला, ओके ऊपर अपना वाई भी एक कॉमन आ रहा है वाला, देखो सो बचा कि वी वाई ई दी पावर वी प्लस वाई स्केयर बटा वाई इंटू ई दी पावर वी बचा। ठीक है, तो जेकर आप वाई कॉमन लगे कैंसल कर दिए वी इंटू ई दी पावर वी प्लस वाई बाय वाई इंटू ई पावर वी। ठीक है जी, ओके तो हम आ वाई ना इधर मैनस कर देने बाय वन ला दो, सारी कहानी फिर रिपीट होगी। ठीक है, दोबारा फिर देखो स्टेप नू वी प्लस वाई इंटू डेरीवेटिव इधर वी इंटू ई दावर वी प्लस वाई बाय ई दावर वी, हम आ वाई इधर मैनस हो जाएगा
ठीक है, तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दे वाई प्लस डेरीवेटिव, ठीक है, वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ई पर वी प्लस वाई एलसीएम माइनस वी इंटू ई पर वी ई द पावर वी बटा ई पर वी, अब कैंसिल हो गया। सो वाई इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय, सॉरी इतना ना डी वाई डी वी बाई डी वाई, सॉरी ठीक है थोड़ी गलती हुई, डी बाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है, वाई बाई ई पर वी आऊगा। ओके सो हम देखा जाए तो आप वाई दे वाई भी मैं कैंसिल हो गया भला, तो डी वी आप वी इधर ले आने हैं तो इधर कर डी वाई बचूगा, इंटैगर कर दो ई पर वी का इंटैगर उन्ने रहेगा तो वाई का डी वाई का वाई हो जूगा प्लस सी कर दो, तो वी की वैल्यू कितनी होगी देखो आप एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट किया, सो वी की वैल्यू कितनी होगी एक्स बाय वाई होगी, वो इतने पुट कर दो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, सो ये अपना क्या आंसर है। तो हम ये एक बार कितना इधर आंसर। ओके सो इसके नाल अपनी सारी टाइप होमोजीनियस फंक्शन सॉल्व हो चुकी हैं, सारी टाइप सम तो अपनी की पांच टाइप भी कंप्लीट हो गई, सो इस तो आप लास्ट टाइप शुरू करेंगे इंटीग्रल फैक्टर, सो वो टाइप भी इंपॉर्टेंट है।